बॉलीवुड चलता है सिर्फ एक चीज के ऊपर, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म और नेपोटिज्म। तो दोस्तों, इंट्रो से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, बिना गाली गलौज के चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग बॉलीवुड में जाके अपना नाम कमाना चाहते हैं और आप लोग अगर एक स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस है तो क्या खूबी होना चाहिए जिसके चलते शायद आप लोग बॉलीवुड में अपना नाम जमा पाए और एक सितारे की तरह चमकते रहे बॉलीवुड में। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे बॉलीवुड में अगर अपना नाम बनाना है तो एक्टिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये एकदम सच बात है, आप लोग को एक्टिंग आना जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोग सोचेंगे देखने में अगर अच्छा होगा तो चांस ज्यादा आसानी से मिल जा सकता है, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को डांस आता है तो दोस्तों क्या ही कहना, इसके चलते शायद आपका जो सितारा है वो पूरा सातवें आसमान में चला जाए। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते अगर आप लोगों को लगता है आप बॉलीवुड में अपना काम पाएंगे और अपना पैर जमा पाएंगे तो दोस्तों ये एकदम गलत है, क्योंकि अगर आप लोगों को बॉलीवुड में स्टार बनना है तो इन सभी चीजों की जरूरत ही नहीं है। जो मेन चीज की जरूरत है वो है एक गॉडफादर जो आपके बॉलीवुड में आपका हेल्प करे। अगर आप लोगों के पास बॉलीवुड में अपना गॉडफादर है तो आप लोगों को बॉलीवुड में काम पाने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप लोगों के पास काम आता रहेगा। अगर नहीं है तो दोस्तों, आप जितने भी टैलेंटेड हो, काम पाने के लिए आपको हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिस के बाहर जाके काम के लिए अपना हाथ फैलाना पड़ेगा। दूसरा जो चीज आता है वो है हाई लेवल कनेक्शन इन बॉलीवुड। तो दोस्तों, अगर आप लोग अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बॉलीवुड में जाने का सपना रखते हैं तो दोस्तों मैं पहले ही बोल देता हूँ आपके लिए ये जर्नी जो है वो बहुत ही दुखदायी होने वाली है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली एक बॉलीवुड स्टार के जैसा रहन सहन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को बॉलीवुड में अपना कनेक्शन बनाना है तो उनके जैसा रहन सहन करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को बॉलीवुड में होने वाले महंगे महंगे पार्टी में जाना पड़ेगा, वहां पर अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे, शायद उन दोस्तों में से कोई आपको रेकमेंड कर दे नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, इसके चलते शायद आप लोग बॉलीवुड में अपना एंट्री पा सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जिसके चलते आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक स्टार बनने से बॉलीवुड में, दोस्तों अगर आप स्टार किड होते हैं तो आप लोगों को एक्टिंग आने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्टार किड हैं तो एक्टिंग छोड़िए, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, एक्टिंग की ए भी नहीं आती है, फिर भी आप लोग को एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे बॉलीवुड में और आप बॉलीवुड में अपना स्टारडम वाली लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों में से अगर आपके पास एक भी नहीं है और अगर आप बॉलीवुड के आउटसाइडर हैं तो शायद आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा खुला हुआ है, वो है अपना एक्टिंग का लोहा बनवाइए और इसके साथ साथ भगवान के ऊपर आस्था रखिए, शायद आप बॉलीवुड में अपना जगह बना पाए। तो दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड में स्टार किड और आउटसाइडर का रेशियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा रेशियो जो है वो 90:10 है। हाँ दोस्तों, जहाँ पर 90% स्टार किड को चांस मिलता है बॉलीवुड में काम करने का, वहाँ पर सिर्फ 10% आउटसाइडर को चांस मिलता है बॉलीवुड में अपने नाम बनाने का, और ये सालों से चल के आ रहा है। और दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है। मुझे दोस्तों प्रॉब्लम है उन सभी एक्टरों से जो शायद एक्टिंग का ए भी नहीं आता लेकिन अपने बाप दादाओं के नाम के चलते बॉलीवुड में एक के बाद एक मूवी मिलता रहता है और काम करते रहते हैं और आउटसाइडर हाथ पे हाथ रखे देखते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे स्टार किड हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपने लिए जगह बनाई है बॉलीवुड में और अपना नाम बनाया है बॉलीवुड में सितारों के साथ। तो दोस्तों, उन एक्टरों में से जैसे आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, संजय दत्त और सैफ अली खान और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्टार किड होते हुए भी अपने एक्टिंग के दम पर अपने बॉलीवुड में अपना जगह बनाया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो शायद अपने एक्टिंग के दम पर कम और अपने फैमिली और बॉलीवुड के कनेक्शन के चलते अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे बॉबी देओल, उदय चोपड़ा, तुषार कपूर, जैकी भगलानी, हरमन बवेजा, अर्जुन कपूर जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आप लोगों को कितना नाम गिनवाऊं। इन सभी स्टार किडों के बीच हम लोग भूल जाते हैं उन सभी आउटसाइडर को जो सिर्फ अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंचे थे, लेकिन हम लोग कभी जीते जी इन सभी एक्टरों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हम लोगों को उनके जो महत्व है वो उसके बारे में पता लगता है। अब के टाइम पे अगर आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाते हैं और जाके देखेंगे स्टार किड्स और आउटसाइडर के बीच फॉलोअर का रेशियो कितना ज़्यादा अंतर है, तो
आप लोगों को पता चल जाएगा रियल ट्रूथ के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम लोग कभी रियल टैलेंट को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। हम सिर्फ बॉलीवुड के चकाचौंध में खो जाते हैं तब तक जब हम लोगों को छोड़ के कोई चला नहीं जाता। उसके बाद हम लोग जागते हैं और शुरू हो जाता है हमारा #nepotism#unsubscribe#unfollow का मोर्चा लेके बाहर निकलना। जैसे आज से एक दो महीने पहले तक लोगों को नेपोटिज्म का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था, आप लोग रियल टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए, बॉलीवुड के चकाचौंध में खो मत जाइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा के नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।